हेलो दोस्तों, यमी फूड में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए एगलेस पैनकेक्स। एगलेस पैनकेक्स बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, तो ये मैंने लिया है 1 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर्ड शुगर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, और इन सब के साथ में हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। अब हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने लिया है 3/4 कप गुनगुना दूध और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मक्खन और इसको मैं साइड में रख रही हूँ। आटे के मिक्सचर में अभी हम डालेंगे 1/4 टीस्पून विनेगर, 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस, और हम ये जो दूध में हमने मक्खन डाला है इसको भी हम मिक्स करके इसमें मिला देंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हो सकता है कि दूध की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा लगे, वो डिपेंड करेगा कि हमारा मैदा और ये जो मिक्सचर है वो कितना दूध लेता है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, कोई भी गुठलियाँ ना रहे। अभी हमारा मिक्सचर बहुत गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा दूध और डालेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा जो ये मिक्सचर है ये बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो जाए। आप चाहें तो एक विस्क से इसे मिक्स कर सकते हैं या मेरी तरह एक स्पून से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अभी भी थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा सा दूध और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैटर का जो कंसिस्टेंसी है ना गाढ़ा है ना पतला है, और अगर इसमें आपको कोई लंप दिख रहा हो तो आप उसे मिक्स करते हुए हटाते चले, उसे आप मिक्स कर लीजिए ताकि आपका लंप ना रहे। हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये आप देख रहे हैं इसमें एयर बबल्स दिख रहे हैं। अब हम एक तवा गर्म करके पैनकेक बनाना स्टार्ट करेंगे। पैनकेक बनाने के लिए हमने एक तवा गर्म किया है, नॉनस्टिक पैन गर्म किया है। अब हम उसमें हमारा बैटर डालेंगे। जैसे हम चीला फैलाते हैं या डोसा फैलाते हैं, हल्का साइज से हम फैला देंगे। गैस इस वक्त मीडियम पे है, आप उसे लो पे कर दीजिए। हमें इसे सिमर पे पकाना है यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाना है। दो मिनट के बाद हम इस पैनकेक को धीरे से फ्लिप कर देंगे। इसे आप धीरे से फ्लिप कर दीजिए, देखिए कितना अच्छा सुनहरा रंग आया है। दूसरी तरफ भी हम इसे 1 मिनट तक पकने देंगे। गैस इस वक्त हमारी बिल्कुल लो फ्लेम पे है। 1 मिनट के बाद हम इस पैनकेक को निकाल लेंगे और हम इसे प्लेट में डाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी पैनकेक भी बना लेंगे। ये हमारे पैनकेक्स तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने फ्लफ़ी हैं और कितने फूले हुए हैं। इनको सर्व करने के लिए आप चाहें तो सब पैनकेक्स के बीच में नटेला लगा सकते हैं। आप इन पैनकेक्स के ऊपर हनी, मेपल सिरप या फिर नटेला लगा के उन्हें सर्व कर सकते हैं। आज मैंने इनके ऊपर लगाया है मेपल सिरप और मैंने सर्व कर रही हूँ फ्रेशली चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज़ के साथ में। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी बेरी ले सकते हैं और इसे सर्व की नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए टेक केयर एंड बाय।